ओम शांति। अब हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग कल के 25 जुलाई और आज के 26 जुलाई की। और परमपिता परमात्मा कल की रिकॉर्डिंग में, कल के वरदान में कहते हैं कि वो चाहते हैं कि हम अपने पांच कर्म इंद्रियों के ऊपर देखें कि हमारा कंट्रोल कितना है, मतलब कि हमारे जो मन जो सोचता है, बुद्धि जो निर्णय करती है, और जो हमारी आदतें हैं, वो जो बनती हैं हमारी आदतें, वो इन कर्म इंद्रियों को कैसे इस्तेमाल करती हैं। तो देखें परमात्मा चाहते क्या है। परमपिता परमात्मा कहते हैं, नॉलेज की शक्ति द्वारा कर्मेंद्रियों पर शासन करने वाले सफल स्वराज्य अधिकारी भवा। रोज अपने सहयोगी सर्व कर्मचारियों की राज्य दरबार लगाओ। जैसे राजा क्या करते थे, राज्य दरबार लगाते थे। कोई प्रॉब्लम आती थी, अच्छा मंत्री जी आप बताइए क्या हुआ, आप बताइए क्या हुआ, किसने क्या निर्णय लिया, किसने क्या काम किया, ये कैसे हुआ और ये कैसे हुआ, इसमें किसकी गलती है। उसी तरीके से हम भी आत्माएं, हम हर दिन सोने से पहले हम इन आँखों, नाक, कान, मुख और हाथ पैर की हम दरबार लगा सकते हैं। और उस दरबार में, उस महफिल में हम आत्मा हो गए राजा। मन, बुद्धि, संस्कार। मन, आपने आँखों को क्या बोला था, गलत मत देखना, लेकिन आँखें, आपने क्या किया, आप उस साइड क्यों गए, आपने सुना क्यों नहीं, मन की आपने सुनी क्यों नहीं, बुद्धि की आपने सुनी क्यों नहीं, और आप ये पुराने संस्कारों के हिसाब से कब तक चलोगे। आप इस तरीके से राजा बन करके अपने मन, बुद्धि, संस्कार को गाइड करते हो। वो तीन मंत्रियों को, मन, बुद्धि और संस्कारों को गाइड करते हो इन कर्मेंद्रियों को चलाने के लिए। ये हो गया आपका सिपाही। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम इनकी हम राज्यसभा लगाएं और इनकी चेकिंग करें उस समय। फिर बाबा कहते हैं, दरबार लगाओ और चेक करो कि कोई भी कर्मेंद्रियां व कर्मचारी से बार बार गलती तो नहीं होती है। ईवल नहीं देखना चाहिए था, ईवल नहीं बोलना चाहिए था, ईवल नहीं सुनना चाहिए था, ईवल नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन क्या ये सारी चीज़ें हुई कि नहीं हुई, इसके ऑर्डर के हिसाब से चले कि नहीं चले। क्योंकि गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं, इसलिए नॉलेज की शक्ति से चेक करने के साथ साथ चेंज कर दो, तब कहेंगे सफल स्वराज्य अधिकारी। चेंज भी करना है, यानी कि बार बार चेक किया आपने, गलती करी, अच्छा ठीक है अगली बार नहीं करना, चेंज करना है नॉलेज को इस्तेमाल करके। ऐसे स्वराज्य चलाने में जो सफल रहते हैं, उनसे संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं संतुष्ट रहती हैं। वे सर्व की शुक्रिया के पात्र बन जाते हैं। आप खुद ही सोचिए, आप किसी के साथ में बैठे हुए हैं और आप किसी सिचुएशन को देख रहे हैं, किसी और व्यक्ति को देख रहे हैं, और आप उसके अंदर आप गलतियां देख रहे हैं, ईवल देख रहे हैं, उसके बारे में आपने ईवल सुना, उसके बारे में आपने किसी को, बाजू वाले को, आपने जो साथ में बैठा आपके साथ ही, उसको आपने ईवल सुनाया, तो आपने अपनी ऊर्जा प्योरिटी भी घटाई अपने, आपने कर्म भी अपने कर्मेंद्र के द्वारा करे लेकिन अपवित्र कर्म करें, और वो रजिस्टर हो गया आपके मन बुद्धि में, और आपकी मन बुद्धि में किसी का अगर नेगेटिविटी रजिस्टर हो जाती है, तो वो आपकी नेगेटिविटी बन जाती है, वो आपका संकल्प बन जाता है, वो आपका एक बीज बन जाता है, और किसी न किसी दिन वो बीज स्प्राउट करता है, मतलब कि वो उगता है, और उस दिन जो गलती आप किसी के बारे में बोल रहे थे, देख रहे थे, वो आप स्वयं करना शुरू करते हैं। कभी हुआ है आपके साथ में ऐसे कि आप किसी के बारे में कंप्लेन करते रहे, खुद ही आपने उस दिन वो गलती कर दी हो कुछ दिनों के बाद में? यस, ये वही बीज है जो कि उस दिन फलीभूत हो गया। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ना खुद की एनर्जी वेस्ट करो, ना खुद असंतुष्ट बनो और ना किसी और को असंतुष्ट बनाओ, उनको भी संतुष्ट, स्वयं भी संतुष्ट। उसके लिए अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो और अच्छा सोचो, ये कर्तव्य करने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये कैसे करें, इसके लिए आप राजयोग मेडिटेशन सीखें ताकि मन, बुद्धि, संस्कार के ऊपर आपका कंट्रोल वापस आए और आप सक्सेसफुल, मतलब कि आप विजयी बने। इसके साथ ओम शांति।